الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد

रबिश रह अमरी वाहलुल उकदतमसानी कवली सूरत यासिन मक्का में नाजिल हुई इसलिए मक्की सूरत कहलाती है मसानी में से है मसानी वो सूरतें होती हैं जिनकी आयात सौ से कम होती है यानि उनका नंबर बिलो हंड्रेड होता है इन में सूरत इनमे से लेकर सूरत तक की सूरतें शामिल हैं। इसकी आयत की तादाद तिरासी यानी एटी थ्री है कलमात यानी अल्फाज जो है 729 हैं सात सौ उनतीस और हरूफ तीन हजार है तरतीब के अतबार से ये सूरत छत्तीसवें नंबर पर है यानी मजीद की की सूरतों जो तरतीब है उसके अतार से सूरत यासीन सूरत अल जिन के बाद नाजिल हुई है शुरू में हरूफ मुकत्ता आए हैं यासीन और यही इस सूरत का नाम है इसके अलावा इसका और कोई नाम नहीं इस सूरत की आम तौर पर जो फज़ीलत बताई जाती है वो ये कि इसको मुर्दों पे पढ़ा जाए यानी मरने वालों पे पढ़ा जाए या इसके अलावा भी कुछ रवायात हैं लेकिन ये रवायात ज़यीफ़ हैं लेकिन ये याद रखिए कि कुरान मजीद की हर सूरत की फज़ीलत में ये बात काफ़ी है कि सारी कायनात भी मिलकर इस जैसी कोई सूरत नहीं बना सकती चाहे सूरत यासीन हो या सूरत कुल हो कुरान मजीद ने खुद चैलेंज किया था कि तुम अगर यानी इस कुरान को नहीं मानते तो फिर इस जैसी कोई सूरत बना लाओ एक जगह पर फरमाया दस आयतें ले आओ और एक जगह पर जैसे इन कुन तुम फी रही बिम्मा अला तु मिसली। इस जैसी कोई सूरत बना लो तो कोई भी इस जैसी सूरत नहीं बना सका तो ये सबसे बड़ी फजीलत है कि कुरान की हर सूरत ही बेमिसाल है और सूरत यासीन भी अपनी मिसाल आप है लेकिन उमूमन हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ खसूस बरसर के मुसलमानों के यहाँ सूरत यासीन बहुत पढ़ी जाती है और इसको दूसरे कुरान के मुकाबले में ज्यादा बाबरकत समझा जाता है हालांकि कुरान का हर हरफ ही बाबरकत है लेकिन बाद सूरतों की खास फजीलत भी आई है जैसे सूरत फातहा है तो सबसे पहले हम पहले रुकू का लफ्जी तर्जमा करेंगे हमारा तरीका भी यही रहा है कि हम आगाज़ में पहले लफ्जी तर्जमा करते हैं और फिर उसके बाद माइंड मैप्स के साथ हम उसका गौरव फिक्र उस पर करते हैं तिलावत सुनते हैं साथ और फिर तफसीर होती है फिर उसके बाद तदब्बुर की आयात जो सिलेक्टेड आयात होती हैं उनको अरबी में पढ़ा जाता है और साथ साथ उनका तर्जमा जाता है तो अब आप निकाल लीजिए अपने पारे और उसमें जो सूरत यासीन का टेक्स्ट है उसको देखिये बिसमान रहिम यासीन यासिन कसम है कुरआन की अलहकीम हिकमत वाले इन्नका बेशक आप लमिनल मुरसलीन, अलबत्ता रसूलों में से हैं अला ऊपर सिरातन रास्ते मुस्तकीम सीधे के यानी सीधे रास्ते पर हैं, तंजील नाजिल करदा है अल अजीज बहुत जबरदस्त और रहीम नेत रहम करने वाले का यानी ये कुरान अल्लाह अल्लाबुल्जत की तरफ से नाजिल हुआ है क्यों लितुन लितरा ताकि आप डराएं। एक कौम को मा नहीं उन उने गए आबाउ हुम उनके आबाओ अजदाद गाफिल हैं, गफलत में पड़े हुए हैं

तो वो इलाकानी ठोडियों तक है फहुम तो वो मुख महून सर उठाए हुए हैं वज़ालना और बना दी हमने आई दी हिम उनके सामने से सदन एक दीवार वो मिनखलफ हिम और उनके पीछे से सदन एक दीवार फ अक्षना हम फिर ढांप दिया हमने उन्हें लायुब सरून नहीं वो देख पाते उन और बराबर है अलैहिम उन पर अंदर हम खा डराए आप उन्हें अम या लम न तुम दिर हम आप डराए उन्हें लाइ वो ईमान नहीं लाएंगे इनवा बेशक तुम जरू आप तो डरा सकते हैं मन उसे जो इतबा पैरवी करे अक्रा नसीहत की ख़शिया और वो डरता हो और रहमान रहमान से बिल गईबी गायबाना फबशर हो बस खुशखबरी दे दीजिए उसे बेमतन बख्शिश की वह अजरन और अजर की करीम इज्जत वाले इन्ना बेशक हम नहनु हम ही नुही हम जिंदा करेंगे अलमऊता मुर्दों को व नक और हम लिख रहे हैं माँ जो कद्दमु उन्होंने आगे भेजा व आसार हम और उनके आसार को वकुल्ला और हर शई इन चीज को अह ना हो शुमार कर रखा है हमने उसे फी इमाम एक किताब में मुबीन जो वाज है अब आप इन आयात की तिलावत सुनिए और सामने माइंड मैप्स देखते जाइए और तवज्जो के साथ गौर कर إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا ۗ لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فأغشيناهم, فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم

लिखने में इकट्ठा है लेकिन बोलने में दोनों हरूफ को अलग अलग बोला जाता है या सीन बाज मुफसदीन ने इसके माने बयान किए हैं जैसे इबन अब्बास इक्रमा ये सब आ, कुछ सहाबा हैं, कुछ बड़े बड़े उलमा हैं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है ए इंसान यानी इंसान को खिताब किया गया या ए शख्स बाज ने कहा कि ये इससे मुराद है या सयद ए सरदार और उससे मुखातिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है लेकिन असल बात यही है कि हरूफ मुकत्तात के बारे में सुकूत इख्तियार करना और अपनी तरफ से उसका माना बयान ना करना ज्यादा बेहतर है क्योंकि अल्लाह ने हमें इसका माना नहीं बताया नबी सल्लाम ने इसकी कोई वजाहत नहीं की लोगों ने ये खुद से गौर और फिक्र करके माना निकालने की कोशिश की है और इसी तरह दीगर सूरतों के शुरू में भी जो हरूफ मुकत्तात आए हैं वहां भी ऐसा ही अंदाज इख्तियार किया गया है शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया और कुछ दूसरे उलमा कहते हैं कि जो भी ऐसी सूरत है जो इन हरूफ से शुरू होती है यानी हरूफ मुकत्त से अलग अलग हरूफ जिसमें बोले जाते हैं इसमें आप देखेंगे कि उन हरूफ के बाद फिर कुरान मजीद का जिक्र आता है अगर आप गौर करेंगे दीगर सूरतों के शुरू में जैसे अलिफिलाी मलिफिलाी मरा आइंस काफा या आइन, सीन काफ़ वग़ैरह तो उसके बाद इस सूरत में सूरत मरियम में नहीं लेकिन दीगर सूरतों के अंदर ये चीज़ पाई जाती है यानी ये पैटर्न मिलता है हमें कि हरूफ मुखात के बाद फिर क़ुरान का ज़िक्र आता है नेक्स्ट आया कसम कुरान की यहां पर वाओ का माना कसम है अरबी जबान में हरूफ के भी माने होते हैं जैसे अलिफ का बा का ता का फा का नहीं है लेकिन वाओ का है काफ का है यानी ये इस जबान की एक खास खसूसियत है अरबी जबान की कि इसमें अलग अलग हरूफ के मानी भी पाए जाते हैं तो यहाँ कसम के लिए आई है और कसम किस लिए आती है किसी चीज की ताकीद के लिए फोर्सफुली उसको बयान करने के लिए जैसे आप अगर कोई बात वैसे करते हैं तो वो बात हल्की होती है लेकिन अगर आप कसम खा के एक बात कहते हैं तो वो बात उसमें ज्यादा वजन आ जाता है या उसके अंदर ताक़द पाई जाती है और उसको यकीनी बनाने के लिए यकीनी तौर यकीन डालने के लिए कि ये वाकई बहुत अहम बात है इसी तरह तज़ीम के लिए भी आती है यानी उस चीज़ की कसम खाई जाती है जिसकी तज़ीम की जाती है यानी इंसान की तरफ से जैसे मसला अल्लाह सुबहान कसम खाई जाती लेकिन अल्लाह सुबहान तला के अलावा किसी और की कसम खाने की हमें इजाजत नहीं होती जब बाज़ लोग माँ बाप की कसम खाते हैं या तुम्हारे सर की कसम या मेरे बेटे की इसको शिरक कहा गया है कसम हम सिर्फ अल्लाह के नाम ही की खा सकते हैं लेकिन अल्लाह सुबहान तला जब किसी चीज की कसम खाते हैं जैसे रात की खाई दिन की फजर की मुख्तलिफ और कस्में आपको खासतौर पर तीसवें पारे में बहुत मिलेंगी तो उसमें उन चीजों की तरफ गौर फिक्र की दावत दी गई है बेसिकली कि ये चीजें गवाह हैं इनके अंदर गौर करो और फिर जो बात तुम्हें कही जा रही है वो काबिल तो वल कुरान यहाँ कुरान की कसम खाई जा रही है कुरान कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है जो मोहम्मद वसल्लम पर नाजिल हुआ और उसमें कोई शक नहीं और ये दुनिया की वो वाहिद किताब है जिसमें चौदह सौ साल से किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई और ये किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं बल्कि अल्लाह सुबहान उतारी हुई किताब है जो जबरील अमीन अमानत दार फरिश्ते सलाम लेकर आए और मोहम्मद अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर नाजिल की और यहाँ कुरान मजीद की एक सिफत बयान की गई है और वो क्या है अल हकीम कि ये कुरानिकमत वाला है हकीम का लफ्ज़ जो है मुहकिम मुहकम और हाकिम के मानों में भी इस्तेमाल होता है अब आप देखिए कि एक लफ्ज़ है और उसके अंदर माने की वुस्सत आप देखिए मुहकिम यानी पुख्ता करने वाला मुहकम जिसको पुख्ता किया गया हाकिम जिसकी तरफ फैसले के लिए रुजू किया जाए जैसे आता है ना कि जब तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा हो जाए तो फिर तुम अल्लाह और रसूल की तरफ उसको ले जाओ तो अल्लाह की तरफ कैसे ले जाएंगे भी अब मौजूद नहीं है हमारे दरम्यान तो फिर इस आयत के ऊपर कैसे अमल करेंगे आपकी अहादीस को देखेंगे कि इस मसले का हल अहादीस में क्या है तो और कुरान जो मुहकम है इसका मतलब यह है कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई कंट्राडिक्शन नहीं है कोई तनाकुज नहीं है अल्लाह ने इसको मजबूत बनाया है मुहकम बनाया है और इसी तरह यह है कि यह हिकमत पर मबनी है और मुहकम भी है मुहकम इस मानों में कि यह किताब जो बात करती है वो पक्की बात करती है और उस उसकी बात में किसी किस्म का कोई झोल नहीं होता और जहाँ तक हिकमत का ताल्लुक है कि ये कुरान हिकमत वाला है यानी इसके अंदर जितने भी अहकाम हैं वो हिकमत पर मबनी हैं क्योंकि अल्लाह इस दुनिया और इस पूरी कायन के माजी हाल मुस्तकबिल सब का इल्म रखता है एक एक जर्रे को जानता है एक पत्ता भी जो गिरता है तो वो भी अल्लाह तला के इल्म में होता है तो ये उस रब का नाजिल करदा कुरआन है कि जो हर चीज को जानता है तो हिकमत का ताल्लुक इल्म से भी होता है जितने जितना जितना जिसके पास इल्म ज़्यादा होता जाता है उसके अंदर विजडम भी फिर ज्यादा आती जाती है और अल्लाह ताला का इल्म तो है ही कामिल हर चीज को मुहित है कोई चीज अल्लाह के इल्म से बाहर है ही नहीं तो उस रब का ये कलाम है इसलिए ये बहुत हिकमत वाला है और इसमें जितनी भी बातें की गई हैं वो सब आ, अकल के मुताबिक हैं फितरत के मुआफ़ हैं कुरान मजीद में कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी कि जो अक़ल की तकजीब करती हो या फिर यह है कि फितरत के खिलाफ हो इसी तरह काब रजी अल्लाह कहते हैं कुरान को लाजिम पकड़ो क्योंकि वो अक्ल की तेजी है यानी जो क़ुरान पढ़ता है उसके अंदर अकल ज्यादा आ जाती है ज़्यादा समझदार हो जाता है बेहतर फैसले करता है की रोशनी है यानी उसको हिकमत नसीब होती है और बारे में कुरान मजीद में आता है वो जिसको चाहता है यानी अल्लाह सुबहान जिसको चाहता है हिकमत अता करता है और जिसको हमत मिल जाती है उसको बहुत बड़ा खैर मिल जाती है बहुत भलाई मिल जाती यानी वो सबसे ज्यादा मालदार है सबसे ज्यादा फायदे में है कामयाब है जिसके अंदर है है समझदारी है अकल है और फरमाया ये कुरान इल्म का सर चश्मा है रहमान की तरफ से नाजिल होने वाली किताबों में से सबसे नई किताब है अल्लाह ने तौरात में ये बात फरमाई है ए मोहम्मद वसल्लम मैं तुम पर जदीद तौरात नाजिल करूँगा जो नाबीना आंखों बहरे कानों और गफलत में पड़े हुए दिलों को खोल देगी इसका मतलब यह है कि इंसान अगर इस क़ुरआन से ताल्लुक़ कायम नहीं करता तो फिर गाफिल होता जाता है सिर्फ दुनिया दुनिया देख कर उसको दुनिया ही के बारे में सब कुछ नज़र आता है वो आख़रत को भूल जाता है जो, जो कि हमारा असल ठिकाना है लेकिन जब इंसान कुरान पढ़ता है तो वो अपनी दुनिया के बारे में भी सही फ़ैसले करता है और अपनी आख़रत जो असल अनजाम है उसके बारे में भी वो सोच समझ के कदम उठाता है कि क्या चीज़ वहाँ फ़ायदा देगी और क्या नहीं तो इस आयत में दरअसल कुरान करीम की अज़मत बयान हुई है कि ये कुरान कैसी किताब है हिकमत काबिल किताब है उस जमाने में लोग लात उज्जा मनात की कस्में खाया करते थे तो अल्लाह सुबहान मुकाबले में कुरान की कसम खाई और हमें हम भी आमतौर पर कुरान की कसम खाते हैं याद रखिये कुरान की कस्म अगर आप खाएं तो इसको अल्लाह ताला से कोई अलग चीज नहीं समझे कि ये कोई मखलूक है कुरान मखलूक नहीं है कि, क्योंकि मखलूक की कसम खाना मना है तो कुरान अल्लाह ताला का कलाम है इसलिए बाजुकात या अदालतों वगैरह में कुरान की कसम के कु, 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 कुरान पे हाथ रख के फैसला करवाते हैं या बात करते हैं तो वो फिर एक मुख्तलिफ चीज़ उस वक्त भी जेन में यही होना चाहिए कि ये अल्लाह का कलाम है अब यहाँ पर आ, आ, की कसम खाकर जो बात की गई है वो क्या है नेक्स्ट आया <गारी> बेशक आप यकीनन रसूलों में से हैं कसम खा के अल्लाह ये बात फरमाई कि आप रसूलों में से इनका का से मुराद यहां मोहम्मद वसल्लम है

तो इन कलमिन कलमिनलमुसलिन कौन से मुसलिन यानी आदम सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी रसूल आए हैं यू आर वन ऑफ़ देम आप भी उन्हीं जैसे एक रसूल हैं आपका मकाम सबसे बुलंद है लेकिन लोगों को उन लोगों को यकीन नहीं आता था कि वाकई आप रसूल हैं आप तो हमारे सामने पैदा हुए हमारे सामने पले बढ़े हमारे सामने खाते पीते हैं चलते फिरते हैं शादी करते हैं तजारत करते हैं तो फिर आपको कैसे चुन लिया गया आप कैसे रसूल हो गए तो वो आपको रसूल मानने के लिए तैयार नहीं थे तो अल्लाह सुबहान तसम खा के ये बात फरमाई इसका ये मतलब नहीं कि नउूज़ बिल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नबूवत में शक था तो आपको यकीन दिलाया जा रहा है कि नहीं नहीं आप रसूल ही हैं लोग नहीं मानते तो आप शक में पड़ गए नहीं ऐसा नहीं जितनी शिद्दत के साथ आपके मुखालिफिन आपका इनकार कर रहे थे तो उतनी ही शिद्दत के साथ यहाँ पर उसका रद्द किया गया कि तुम अगर शक करते हो तो ये, ये तुम्हारा शक गलत है मोहम्मद दरअसल अल्लाह के रसूल हैं और फिर आप देखिए कि कुरान को गवाह बना के कहा गया कि आपकी रसालत की निशानी क्या है कैसे पता चलेगा कि आप बाकी रसूल हैं क्या चीज गवाही देगी कसम गवाही के लिए होती है ना ये कुरान गवाही दे रहा है कि ये कोई आम किताब नहीं कोई मामूली किताब नहीं है इसको पढ़ के देखो ये एक शानदार कलाम है जो कोई इंसान पेश कर ही नहीं सकता ना ये नसर है ना ये नजम है इसमें रिदम भी है लेकिन ये शायरी नहीं है और इसमें नसर की तरह यानी जैसे प्रोज होती है लेकिन उसमें भी उसमें भी है तो आ, ये दुनिया का अनोखा कलाम है और ये सिर्फ कलाम ही नहीं क्योंकि बाजूकात आप देखें शायर जब शेर कहते हैं ना तो वो शेर तो कहते रहते हैं लेकिन बाजोकत कोई बात कहीं की कोई कहीं की कोई इधर की कोई उधर की कोई जमीन की कोई आसमान की तो ऐसी सूरत में फिर आ, कुछ बातें दे मेक सेंस और कुछ तो कुछ सेंस नहीं करती लेकिन कुरान ऐसा नहीं है ये वाली किताब है, है अल्लाह की तरफ से आई और uh, कोई इंसान ऐसा कलाम पेश नहीं कर सकता कोई भी इंसान इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके दरअसल सुनाया किसको जा रहा है आपके मुखालिफिन को जो आपकी रिसालत पे शक कर रहे थे उनका रद्द किया जा रहा है क्योंकि वो कहते थे आप रसूल नहीं सूरत नहीं है हम नहीं आपको रसूल मानते तो अल्लाह फरमाया वल इन मुरसलीन ये इनकार करते हैं तो करते रहे अल्लाह ताला गवाही देता है कि आप यकीनन रसूलों में से हैं इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरफ और इज्जत और मकाम का भी इजहार है अल्लाह सुबहान किसी और रसूल की रिसालत की कसम नहीं खाई लेकिन आपकी रसालत की कसम खाई है यानी उसके इस बात के लिए कसम खाई है और सूरत बकरा के अंदर 252 में भी आता है तिल का आयात नू का बिलहक वीन ये अल्लाह की आयत हैं जिन्हें हम आप पर हक के साथ पढ़ रहे हैं और यकीनन आप रसूलों में से हैं और मुरसलीन यानी कोई नए रसूल नहीं है पहले भी रसूल आते रहे हैं हाँ आपके जरिए रसालत मुकम्मल हो गई यानी अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए जितने रसूल भेजने थे वो आ चुके अब इसलिए सलाम आएंगे लेकिन वो आप ही की शरीय को फॉलो करेंगे वो नए रसूल की हैसियत से नहीं आएंगे अब हर रज़ी से रिवायत है कि रसूल वसम ने फरमाया बेशक मेरी मिसाल और मुझसे पहले अम्बिया आलैम साम की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने एक मकान बनाया फिर उसने उसे बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत तैयार किया मगर एक कोने में ईंट की जगह खाली छोड़ दी अब लोग आकर उसके इर्द गिर्द घूमते हैं और उसे देख खुश होते हैं और यह भी कहते हैं कि एक ईंट क्यों नहीं रखी गई यानी इतना खूबसूरत मकान है और एक ईट की जगह खाली है आपने फरमाया मैं ही वो ईट हूँ और मैं खातमन्नबीन हूँ यानी आपके आमद पर वो इमारत बिल्कुल मुकम्मल हो गई इसी तरह यह है कि आप रहमत आलमीन है सारे जहान वालों के लिए रहमत बना के भेजे गए इसीलिए आपकी रिसालत को जो लोग नहीं मानते नहीं मानते लेकिन खलूक जो है वो भी आपकी रसालत को तस्लीम करती है और इसकी दलील क्या है ये रिवायत मुसरत अहमद की जाबिर रजी अल्लाह कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग रसूल सल्लासम के साथ किसी सफर से वापस आ रहे थे जब हम नज्जार के एक बाग के करीब पहुंचे तो पता चला कि बाग में एक ऊंट है जो बाघ में दाखिल होने वाले हर शख्स पे हमला आवर हो जाता है अटैक कर देता है तो लोगों ने ये बात नबी अलैहि वम को बताई तो आप उस बाग में तशरीफ ले गए और उस ऊंट को बुलाया और वो गर्दन झुका के आ गया आपकी खिदमत में हाजिर हुआ आपके सामने आके बैठ गया नबी सल्लाम ने फरमाया इसकी लगाम लाओ लगाम उसके मुंह में डालकर ऊंट मालिक के हवाले कर दिया फिर लोगों की तरह मुतव होके फरमाया आसमान और जमीन के दरमियान जितनी चीजें हैं गौर से सुनिए आसमान और जमीन के दरमियान जितनी चीजें मलाइका हैं जिन्नात हैं जो भी मखलूक हैं सिवाय नाफरमान जिन्नों के और नाफरमान इंसानों के सब जानते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं यानी इंसान और जिन जो नहीं मानते नहीं मानते बाकी सब मानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो इसलिए आप सल्लाह वसल्म को जो मकाम और मर्तबा है और जो हम आपसे मोहब्बत करते हैं और जो आपकी इज्जत करते हैं और जो आपकी इतात करते हैं वो इसी बिना पर कि अल्लाह ने आपको खास तौर पर हमारी हिदायत के लिए चुना और हमें उसके ऊपर शुक्र गुजार होना चाहिए फिर मजीद फरमाया आयत नंबर फोर में अला सीधे रास्ते पर हैं, यानी आप अल्लाह के रसूलों में से भी हैं और आप बिल्कुल सीधी राह पर हैं और लोगों को सीधे रास्ते की तरफ बुला रहे हैं सिरात मुस्तकीम वो रास्ता होता है जो बिल्कुल सही रास्ता हो और जो मंजिल तक पहुंचाने वाला हो आप देखें कि बाज अवकताब हाईवे पे जा रहे होते हैं उसके पैरेलल भी रोड्स जा रही होती हैं। आ, लेकिन वो आगे जाके तो खत्म हो जाती हैं या किसी और तरफ मुड़ जाती हैं जो छोटी छोटी रोड एरिए होती है लेकिन हाईवे जो होती है वो सीधी चलती चली जाती है चलती चली जाती है हत्या की आपकी मंजिल आ जाती है इसीलिए आप उस पर चढ़ते हैं तो सिरात का लफ्स जो है इसका आ, माना होता है अरबी में गुजरगा और सर्त का मतलब होता है साद राता का मतलब होता है तेजी से गुजरना और सिरात को उस वक्त तक सिरात नहीं कहा जाता जब तक वो खुला और वसी रास्ता ना हो यानी बहुत खुला ना हो जब तक सिरात छोटे से पग नंडी को नहीं सिरात कहते खुले और वसी रास्ते को कहते हैं और वो अपने ऊपर बहुत से ग्रोहों को लोगों को उठा सकता यानी बहुत से लोग कट्ठे भी जा सकते जैसे आप हाईवे उसको हाईवे को देखते हैं तो इसी को इमेजिन कर लीजिए सीधा रास्ता और इसकी सिफात में से यह भी होता है कि ना वो उभरा हुआ होता है और ना दबा हुआ होता है ना गहरा ना ऊंचा बल्कि स्ट्रेट होता है सीधा सीधा यानी उसमें बम्प्स नहीं होते और इसमें मजीद यानी सिरात के अंदर ही ये सारी सिफात मौजूद हैं लेकिन मजीद ऊपर कहा गया मुस्तकीम बिल्कुल सीधा आप एक सही वसी रास्ते पर हैं और वो भी बिल्कुल सीधा रास्ता है जो जन्नत तक अल्लाह की रजा तक पहुंचाने वाला है आप जो भी तालीम लोगों को दे रहे हैं और जिस तरफ भी आप लोगों को ले जा रहे हैं वो बिल्कुल सही रास्ता है सूरत अशूरा में भी आता है वह इन इला अलासरात मुस्तकीम और बेशक आप सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं सिरा اللہ लहु माफिस समावती मा अल्लाह के रास्ते की तरफ वो अल्लाह जिसके लिए वो सब कुछ है जो आसमानों और जमीन में है यानी उस अल्लाह के रास्ते की तरफ आप लोगों को लेके जा रहे हैं तो आप देखिए हमारा दीन जो है इसको हम आमतौर पर सिरात मुस्तकीम कहते हैं दीन इस्लाम सीधा रास्ता है दीन इस्लाम में भी जब लोग आपको दीन की दावत देते हैं या दीन की तरफ लाते हैं तो आप ये जरूर देखा करें कि कहने वाला हमें क्या सिखा रहा है किससे जोड़ रहा है अल्लाह से जोड़ रहा है अल्लाह अल्ला की तरफ दावत दे रहा है अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में डाल रहा है अल्लाह की बात हमें बता रहा है या अपने से जोड़ रहा है या फिर आ, किसी खास आइडियालोजी के साथ जोड़ रहा है किसी ख़ास ग्रोह या मजहब या किसी और चीज की तरफ बुलाता है तो सही रास्ता वही है जो इंसान को अल्लाह तक पहुंचाने वाला हो अल्लाह की रजा जिससे हासिल हो और जो हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ने दिखाया है और उसके बेंचमार्क मार्क अहादीस में मौजूद हैं। नेक्स्ट आया ये कुरान बहुत जबरदस्त नेत रहम करने वाले का नाजिल करता है यहाँ कुरान के नाजिल करने वाले की दो सिफात बयान की गई हैं और वो कौन है अल्लाजीज और रहीम यहाँ कौन है अल्लाह सुबहान तला बिल्कुल एक ये कि वो गालिब और जबरदस्त है दूसरी ये कि वो रहीम भी है पहली सिफत क्यों बयान की गई के कुरान उसने उस हस्ती की तरफ से नहीं आया जिसका आप पे कोई जोर नहीं वो आपको पकड़ ना सके याद रखो ये कुरान अल्लाह का भेजा हुआ है जो अल अजीज है अगर तुमने बात ना मानी तो वो तुम्हें पकड़ेगा वो गालिब है तुम उससे कहीं भाग नहीं सकते यानी बाजुकत ये होता ना हमारा नव साड़े आता है ये शैतान या हमारी कंपनी या मजलिस या दोस्त लोग हमें बरगलाते हैं वो कहते हैं छोड़ो परे क्या करना है बाजू को नमाज नहीं पढ़ने देते बाजू को तो और कुरान की मजलिस नहीं अटेंड करने देते ये सीखने नहीं देते कई रुका रुकावटें आ जाती कई लोग हमारे आगे आ जाते तो हम भी कहते हैं चलो छोड़ो अब ये हमारे ऊपर हावी हुए हैं ये हमें नहीं करने देते तो इनका जिम्मा नहीं इस मामले में आपको अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए कि मेरी मेरी जो जिंदगी है जो मैं मेरी कबर है मेरा हिसाब है मेरा अंजाम है वो तो मैंने भुगतना है किसी और कोई और तो मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेगा अल्लाह का सामना मैंने करना है मेरी अल्लाह से मुलाकात होनी मैं क्या जवाब दूंगी इसलिए मेरे लिए बहुत मेरे अपने जाती फायदे के लिए ये बात है कि कोई मुझे जो मर्जी कहे मुझे अल्लाह की तरफ जाना ही जाना है अगर आज हम खुशी से नहीं जाते ना नमाज में भी क्या हईला क्यों बुलाते हैं नमाज क्या अल्लाह का जिक्र है ना कुरान पढ़ना क्या है अल्लाह का जिक्र है ना अल्लाह ही अल्लाह ही की बात सुनना है ना अगर हम आज अपनी खुशी से नहीं जाते और दुनिया में ही अपने आप को मसरूफ रखते तो एक दिन तो हमने जाना ही जाना है ना उसमें तो कोई शक ही नहीं सारी दुनिया में मिल हमें नहीं छुड़ा सकती मौत के फरिश्ते से बड़े से बड़ा अस्पताल बड़े से बड़ा डॉक्टर और ये एक ऐसी रियलिटी है जिसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं जिसमें शक ही नहीं दुनिया में कई प्रोग्राम होते हैं हैं कैंसिल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं बंद हो जाते हैं आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं चीजें नहीं ये बात तो ऐसी पक्की है मौत वाली कि जिसमें दो बंदों में भी इख्तिला नहीं कोई ये नहीं कह सकता दुनिया में कि मैंने नहीं मरना मैंने तो नहीं जाना मेरे बहुत से लोग हैं जो मेरे बचा लेंगे मैं बड़े अच्छे अच्छे स्पेसलिस्ट को डॉक्टर्स को जानता हूँ हार्ट के डॉक्टर्स को और ब्रेन के डॉक्टर्स को और वो वो इलाज जानते हैं मैं कर लूंगा इलाज मैंने नहीं मरना नहीं ये नहीं हो सकता जाना ही जाना है तो क्यों ना खुशी से जाए अल्लाह की तरफ अल्लाह को खुश करके जाए दुनिया में ऐसे काम करके जाए कि जिससे अल्लाह राजी हो जाए और जब हम उसके पास पहुंचे तो वो हमें हमें देख के खुश हो जाए और हम उसे देख के खुश हो जाए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं और यही हमारी मंजिल होनी चाहिए तो उस जाने की तैयारी कुरान के जरिए होती है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तंजील अल अजीज रहीम ये कुरान उस हस्ती का नाजिल करता है जो अल अजीज है गालिब है जबरदस्त है पकड़ने पर कादिर है तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते उससे कहीं नहीं भाग सकते उसके साथ साथ वो अर्रहीम भी है यानी वो मेहरबान भी है कि जो उसकी तरफ एक कदम आता है वो दस कदम उसकी तरफ आता है और उसकी ये बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उसने हमें दुनिया में पैदा करके ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि हम किधर जाए हमें बताया हमें किताब दी कि ये है किताब इसके मुताबिक तुमने चला ये तुम्हारा मैनुअल आपने देखा होगा कि जैसे बड़े बड़े मॉल्स होते हैं ना तो आपको मसा कोई खास चीज खरीदनी है और अगर आपको ना पता होना कि वो कहाँ है तो कितनी ख्वारी होती है तो उसके लिए आप जाते ही क्या करते हैं या तो कोई मैप देखते हैं खड़े होके मैंने इस स्टोर पे जाना है ये किस तरफ है या कोई वहां पर खड़ा हो तो उससे आप पूछते हैं कि किधर को जाना है ये कहां से जाएगा कितना दूर है यहाँ से सारी मालूम करके आप चलना शुरू करते हैं आप ऐसे ही थोड़ी ऐसी देखना शुरू कर देते हैं। राइट लेफ्ट के ये कौन सा शॉप है ये कौन सी चीज है ये कौन सा, सा? ब्रांड और फिर चलते जाए चलते जाएं। एंड ऑफ द डे आप कहीं नहीं पहुंचेंगे और थक के चूर हो जाएंगे और हासिल कुछ मंजिल मकसद नहीं हासिल होगा इसी तरह अगर इंसान सिर्फ अपनी अकल की रोशनी में सिर्फ सुनी सुनाई बातों की रोशनी में सिर्फ अपने दिल की ख्वाहिशात की आ, के साथ जिंदगी बसर कर रहा है ना अगर तो धोखे में है एंड ऑफ द डे कहीं पहुंचने वाले नहीं तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कुरान के मुताबिक हम अपनी जिंदगी बसर करें क्योंकि ये अल्लाह की मेहरबानी है और रहीम रब की कि उसने हमें कुरान दिया कि हम गुमराही से बच जाए भटकने से बच जाए ख्वार होने से बच जाए और उस तरीके पर चले कि जिससे दुनिया और आखिरत की कामयाबियां हासिल हों और ये जो तंजील का लफ्स है ना ये नजुन उसे है मस्दर। कुरान मुनजल भी है और मुनज़ल भी है यानी थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ मुनजल ठीक है और ये है कि जब लोहे महफूज से एक उतारा गया तो इकट्ठा मुंजल भी था यानी आसमानी यानी बेतुल्जत में उतारा गया और फिर वहां से थोड़ा थोड़ा करके हमें दुनिया में मिला और हम पढ़ते भी तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके और फिर वो हमारे दिल पे उतरता जाता है हमें याद होता जाता है चाहे हम हिप्स करें या मानी समझें या जिस भी तरह से पढ़े तो बहरहाल अल्लाह सुबहान तमें ये कुरान दिया है और फिर नबी अलैहि वसल्लम को उसका उसके भेजने का मकसद भी बताया नेक्स्ट आया ताकि आप ऐसे लोगों को डराएं जिनके आबाव डराए नहीं गए थे तो वो इसीलिए गाफिल हैं लि तुंजरा यानी नबी अलैहि वसल्लम को खिताब है कि आपको ये कुरान हमने इसलिए दिया ताकि आप लोगों को खबरदार कर दें तुंजरा का लफ्ज़ जो है इंजार से है इंजार कहते हैं वो खतरा जो खौफ के साथ मिला हुआ हो या डराने के अमल पर मुश्तमिल हो मसलन अगर कोई शख्स किसी कमरे में दाखिल होता है और कहता है चिल्ला के जोर से शोर करके क्या लोगों दुश्मन आ गया है तो सबके दिल कामने लग जाएंगे उनके दिल डर जाएंगे अच्छा दुश्मन आ गया अब हमने क्या करना है या कोई भी ऐसी होती है, तो ये जाओ निकल जाओ निकल कुछ मुल्कों में जलजला आ जाता है कहीं कोई और मसला होता है तो, तो वो तो ऐसा ऐलान करने वाला मुंजिर होता है जो किसी को खतरे से आगाह करे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवीरम वो बशीरा है खुशखबरी भी देते हैं कि लोगो अच्छे काम करोगे तो जन्नत मिलेगी और खबरदार भी करते हैं डराते भी हैं कि अगर तुमने वो ना किया जो अल्लाह ने करने के लिए दुनिया में भेजा पकड़ भी होगी तो सीधे हो जाओ। जाओमन ताकि आप खबरदार करें डराए किस को कहमन एक कौम को कौन सी कौम यहां नंबर वन मक्का के लोग जिनके सामने कुरान नाजिल हो रहा था बनु इस्माइल, अरबों के लिए खास उनकी तरफ इशारा है लेकिन इसका मतलब नहीं कि कुरान सिर्फ उनके लिए आया था कुरान हर उस कौम के लिए है जिनको हिदायत नहीं पहुंची जिन तक ये कुरान नहीं पहुंचा उन सब के लिए है उन सब को बताया जाए कि ये कुरान क्या कहता है चूंकि आप सबसे पहले अरबों की तरफ मबूस किए गए थे लेकिन आप सिर्फ अरबों के लिए पैगंबर नहीं हैं आप सारे लोगों के लिए सारे इंसानों के लिए क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हाँ नबी सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम मोहम्मद वसल्लम वाज़ अ प्रॉफिट लेकिन वो अरबों के लिए प्रॉफिट थे हमारे लिए नहीं है जब उनको कहा जाता है ना कि कुरान पढ़ के देखो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं जो उनकी रिसालत की सच्चाई की दलील है तो कहते हैं हाँ हाँ मानते हैं लेकिन हमारे लिए नहीं है जबकि कुरान क्या कहता है

उम्मत इजाबत वो है जिसने बात कबूल कर ली मान ली जैसे हम लोग हैं कि हम उनको रसूल मानते हैं लेकिन उम्मत दावत कौन सी है कि जिनको अभी मैसेज कन्वे करना है जिन तक पहुंचा नहीं है उन तक कुरान पहुंचाना है अब आप देखिए जिस चीज को हमने खुद ना चखा हो वो दूसरों तक कैसे ले जाई जा सकती आप किसी को भी मतलब आप अच्छी सी डिश घर में बनाती हैं तो आप चाहती हैं कि आप अपनी बहन को भेजें अपने हमसाय को भेजें लेकिन आप सबसे पहले क्या कहते मैं जरा चख तो लू इसको कैसी टेस्ट करी अगर बहुत अच्छी करी तो खुशी खुशी भेजते अगर नहीं तो कहते है ये देने वाली नहीं तो ऐसी तरह जिसने खुद कुरान नहीं ना चखा उसके दिल में ये तड़प नहीं हो सकती कि मैं किसी और को भी दूं किसी और को भी बुला लूं किसी और को भी सिखा दूं किसी और को भी कोई रास्ता दिखा दूं लेकिन जो इसका मजा चख लेते हैं और वाकई उनको टेस्ट आ जाता है एक ये होता है कि कोई बीमार लोग होते हैं ना आप उनके सामने अच्छे से अच्छे मजे का खाना बना के रखे उनका अपना मुंह कड़वा होता है तो उन वो खाते हैं चखते हैं उनको मजा नहीं आता है, कहते है, ये ये नहीं खाना मुझे आप बीमार के आगे जो रखते हो कहते तो मुझे नहीं खाना मुझे नहीं मजा आ रहा मैंने नहीं खाना तो बीमार लोग होते हैं तो कुछ ऐसे ही दिलों के बीमार लोग होते हैं जिनको कुरान पढ़ के सुन के मजा नहीं आता और फिर ना वो खुद इसको चखते हैं ना किसी और को चाहते हैं ना किसी और को दावत देते हैं लेकिन हकीकी मानों में जिस बंदे के दिल के दिल अंदर ये उतर जाए जिसको मजा आ जाए फिर उसको वो छोड़ता नहीं और सिर्फ ये नहीं करता कि खुद ना छोड़ बल्कि उसको फिक्र लग जाती हर एक की उसको वो मेरी बहन भी को भी ये पता होना चाहिए फला को भी फला को हर एक के लिए फिर परेशान हो जाता है और हर एक के लिए खैर हो जाता है तो यहाँ सबसे पहले तो नबी का ये फरीजा था आपके जाने के बाद फिर साहब कराम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की दुनिया के मशरे को मगरब में फैल गए उनके बाद अगली जनरेशन आई ताबेन की आई फिर तब ताबेन की आई फिर उम्मत में हर दौर में स्कॉलर आते रहे जब उम्मत अच्छी हालत में थी तो दीन का मैसेज भी कुरान का मैसेज हर जगह पहुंचता रहा लेकिन जो जो उम्मत के अंदर डिक्लाइन आया जवाल आया उम्मत ने खुद भी कुरान को छोड़ दिया और दूसरों को भी इसकी तरफ बुलाना छोड़ दिया जो कि इसकी बुनियादी जिम्मेदारियों में से है कुन तुम खैरा उम्मतन उखर जतनास तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई इस मुल्क में रहते हुए हम सब पर यह जिम्मेदारी आती है कि हम खुद भी कुरान को समझें अल्लाह ने हमसे क्या कहा और उसके साथ साथ अपने दाएं बाएं जो हमारे नेबर्स हैं और लोग हैं उनको भी दावत दें सबसे पहले मुसलमानों को और फिर उसके बाद नॉन दुनिया से जाने से पहले एक दफा कम से कम जरूर जान ले कि ये किताब क्या कहती है और बाजू का होता है ना कि हम चुके और तरह के हमारे टेस्ट बन चुके होते हैं तो हम खुद पढ़ने लगते हैं तो समझ नहीं आती बात तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि कोई ऐसा उस्ताद हो जो आपको बात समझा दे तो आप अपने पूरे वीक की जो रूटीन है उसको आप देख लें कौन से काम इस वक्त में जो मसलन अगर आप ये क्लास या कोई और जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है उसको आप ज्वाइन करना चाहें इस वक्त में मुझे क्या करना होता है क्या इस काम को मैं किसी और वक्त शिफ्ट कर सकती हूँ उस काम मसलन आपकी जॉब है या आपके घर का काम है या आपकी कोई और कमिटमेंट्स हैं तो उनको आप किसी और टाइम पर शिफ्ट करके इस ब्लॉक को खाली करके अपने लिए अल्लाह सुबहान तौ की किताब के लिए अपने आप को वक्फ करें और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितना कुरान जिंदगी में होता है औकात में उतनी ही बरकत हो जाती है कामों में उतनी बरकत हो जाती है और वक्त में ऐसी बरकत हो जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके बाकी टारगेट्स होते हैं वो भी सारे पूरे हो जाते हैं और बाजूक ऐसे होता है कि अच्छा अभी थोड़ा सा टाइम और है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ सोच कर रखा हुआ हो ताकि बोरियत ना हो ताकि कोई उदासी ना हो ताकि कोई परेशानी ना दिल पे आ जाए क्योंकि जो ही इंसान जरा भी फारि होता है ना तो हमारा दुश्मन ताक लगा होता है दुश्मन कौन है 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 शैतान वो वो ताक में लगा होता फौरन हमला करता है। वो ऐसी ऐसी बातें सुझाता है ऐसी ऐसी चीजें सुझवाता है तो फिर हम बैठ जाते हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं जिंदगी में कोई लुत्फ ही नहीं रहता सारी नेमते हैं दुनिया का कौन सा फल है जो यहाँ ना मिलता हो कैनेडा में हर चीज मिलती है कौन सी नेमत है जो आप खरीदना चाहें और आपको ना मिले आपके जेब में पैसे हो लोगों के पास पैसे भी हैं नेमतें भी अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों है लेकिन फिर भी जिंदगी में उदासी है वाई सोचने की बात है ना वो वैक्यूम है अंदर वो सिर्फ कुरान से भर सकता है क्योंकि हमारी जिंदगी में कुरान की इतनी जरूरत है हमारी रूह को जितनी शायद हमारे जिस्म को खाने पीने की नहीं तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस किताब के ज़रिए नबी अलैहि वसल्लम ने जो हमें ख़बरदार किया हम आगे लोगों को भी ख़बरदार करने वाले हों फरमाया कि ऐसे लोगों को ख़बरदार करो मा ज़रा आबाऊ जिनके बाप दादा भी ख़बरदार नहीं किए गए यानी इस जनरेशन के अंदर अवेयरनेस क्यों नहीं क्योंकि इनसे ऊपर की जनरेशन यानी इनके पेरेंट्स की जो जनरेशन थी उनको भी नहीं पता था तो होता ही है ना कि जब माँ बाप किसी चीज़ के इम्पोर्टेंस को समझते हैं तो अपने बच्चों के अंदर फिर लाजमन उसको डालने की कोशिश करते हैं कि वो भी सीखें आपके आपके बच्चे आपको ऑब्जर्व करके देखते हैं ऑब्जर्व करके वो नतीजे पर पहुंचते हैं कि जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं मदर भी फादर भी तो बच्चों के अंदर भी फिर आती है ये चीज के कामयाबी इसी में है और अगर आपकी प्रायोरिटी दीन है कि ठीक है दुनिया तो चलानी है जैसे भी चलेगी लेकिन आगे जो हमेशा की जिंदगी वहां क्या बनेगा तो फिर उनकी भी प्रायोरिटी ये होने लगती है। और अगर नहीं नहीं होती फिर भी आपकी है उनकी नहीं बन रही तो भी हमें फिर फिक्र करनी है कि कैसे हो क्या तरीका हो वो सीखना है फरमाया कि उनके आबाओ अजदाद यानी इसमाइल के बाद अरबों के अंदर बरह रास्त कोई नबी नहीं आया था तो इसलिए क्योंकि सलाम बनी की तरफ भेजे गए थे सलाम बनी की तरफ थे। तो हजरतों पैगम्बर इब्राहिम के बाद बनाईल में मोहम्मद सल्म से पहले रसूल नहीं आए तो इसलिए अल्लाह हैं कि इनको डराओ क्योंकि वक्त के साथ साथ उनके अंदर ऐसी चीजें पैदा हो गई थी जो कहते वो थे कि हम इब्राहिम के पैरोकार हैं, लेकिन अमलन कुछ भी नहीं थे भूल चुके थे सारी तालीम जैसे आज हम मुसलमानों का हाल है कि हम कहते हैं कि हम मोहम्मद वसल्लम की उम्मत हैं, लेकिन फिर क्या होता है हम फॉलो नहीं कर हमें पता ही नहीं कौन थे वो सीरत के बारे में नहीं पूरा जानते उनकी लाइफ लाइफ हिस्ट्री के बारे में हमारे बच्चे कहाँ पूरी तरह जानते हैं क्योंकि हमें नहीं पता ना तो हम फिर बच्चों को स्टोरीज भी नहीं सुना सकते तो माँ का एजुकेटेड होना दीन में बहुत जरूरी होता है अगर अपने बच्चे नहीं है तो औरों को बच्चे बना लें और उनको सिखाएं ताकि आपके लिए आपके बाद सदका जारी हो आपके लिए कोई औला दुआ करने वाला हो तो बहरहाल माँ जरा आबाउहुम उनके उनके अजदाद को आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं भेजा गया जैसे सूरत सजदा में भी आता है ले तुम जरा कौमन मा अता हम मिन नज़ीर मिन कबल का लअल्लहुम ताकि आप उस कौम को डराएं जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया ताकि वो हिदायत पा जाए तो अल्लाह सुभान व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर लोगों को गफलत से जगाया फरमाया फहुम गाफिलून तो वो गफलत में पड़े हुए हैं यानी उन वो दीन से दूर है क्योंकि ताल्लुक नहीं इसलिए आपको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप लोगों को गफलत से जगाएं और हम से मुराद यहाँ वो यानी अहले अरब की तरफ इशारा है लेकिन उसके बाद जो भी कोई गफलत में पड़ा हुआ हो उसको इसी कुरान के जरिए जगाने की जरूरत है और अहले अरब के हालात तो आप जानते हैं कि उनका अकीदा इतना बिगड़ चुका था कि खाना काबा के अंदर बुत ला के रख लिए थे हालांकि इब्राहिम ने काबा किसलिए बनाया था वो आग में क्यों फेंके गए थे वो बुतों से भाग कर आए थे उन्होंने दोबारा वही काम शुरू कर दिए शैतान ने फिर वापस उनको शिर्क पर ला खड़ा किया इसी तरह आदात भी बिगड़ी हुई थी लूटमार थी शराब नोशी थी जिना आम था लड़ना झगड़ना जंगे फसाद बहुत कुछ था उस काम के अंदर और उन्हें यह भी नहीं पता था कि कल मरने के बाद हमारे साथ क्या होना है और क्या जवाब देंगे हम अल्लाह को लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए और आपने उनको ये तालीमात दी तो उनका जवाब क्या था रिएक्शन क्या था नेक्स्ट आया حق القول على فهم لا يؤمنون. उनके अक्सर लोगों पर यकीनन अल्लाह की बात सच्ची हो चुकी है बस वो ईमान नहीं लाएंगे यानी आप को बताया जा रहा है कि इनकी जो मेजोरिटी है ना वो आपकी मुखालिफ हो जाएगी और हकीकत है कि मक्का में तेरह साल रहे थे आप और दिन रात आपने समझाया था उनको लेकिन कितने लोग उंगलियों पे गिने जा सकते थे जिन लोगों ने हिजरत की मक्का से मदीना शायद सौ की तादाद में थे उससे कमो एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं तेरह साल में बस इतने लोग मुसलमान हुए थे तो अक्सरियत जो थी वो ईमान नहीं लाई तो आपको तसली भी दे दी गई कि इनकी अक्सरियत नहीं मानने वाली आपका काम है आप बताते रहे लेकिन ये मानेंगे नहीं क्योंकि अल्लाह ताला ताला का अल्ला ताला का अल्लाह इल्म कामिल है अल्लाह ताला फ्यूचर को भी जानता है तो अल्लाह को पता था कि ये कौम जो है इनके दिल किस किस्म के हैं और ये इनका रिएक्शन क्या होगा तो जो वो लोग आपकी दावत के मुकाबले में जिद और हट धर्मी से काम ले रहे थे और उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि हमने नहीं मानना क्योंकि वो तकबर का शिकार थे वो अपने आप को बड़ा समझते थे वो कहते थे कि मोहम्मद वसल्लम जो यतीम पैदा हुए और जो आ, माली लिहाज से हमसे कमजोर हैं तो इन इनके अंदर इनको क्यों ये नबुबत दे दी गई और यहाँ ये जो बात की गई है ना लक़द हक अल कऊल वाला अक्सर उनकी अक्सरियत पर बात चश्मा हो गई हक हो गई सच्ची हो गई इनके बारे में बात ये कौन सी बात है ये बात है अजाब की बात कई अजाब के मुस्तक ठहरेंगे जैसे सूरत यूनुस में आता है कदाल का हकत कलिमत रब का अल्लवी नफसकु अन्न हम इसी तरह आपके रब की ये बात उन लोगों पर जिन्होंने नाफरमानी की साबित हो चुकी है कि बेशक को ईमान नहीं लाएंगे अब अल्लाह ताला को पहले से पता था और अल्लाह ताला का ये इल्म जो है जो पहले से अल्लाह को पता है उसकी बिना पर अल्लाह ताला जब कोई बात बताते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ने उनकी तकदीर में बस लिख दिया था कि इनको मानना ही नहीं ये अल्लाह का इल्म है तकदीर क्या है अल्लाह का इल्म यानी जो पहले से ही अल्लाह को मालूम अगर हम कहें कि अल्लाह ताला को मालूम ना हो तो वो फिर अल्लाह ही क्या हो सकता है वो मबूद कैसे हो सकता है जिसको फ्यूचर का नहीं पता हम्म तो इसलिए अल्लाह सुबहान इल्म की बिना पर एक खबर दे रहे हैं जो सच्ची खबर थी कि ये नहीं मानेंगे और इनकी अक्सरियत के ऊपर अजाब चश्मा हो गया है उन्होंने आपका इनकार करके जाना जानना में ही है और हुआ यही ये लोग बदर के मकाम पर इनके सत्तर बड़े बड़े सरदार जो थे वो मारे गए थे और फिर उसके बाद ये के आ, और भी बहुत से ऐसे लोग इनके पीछे वाले फहुम ला युमिनून तो वो मानेंगे नहीं बात यह है कि यहां पर जो एक बात की गई ना अला अलाअसर ये जो अक्सरियत की बात है ना ये जो मेजॉरिटी अक्सरियत होती है ये हर दौर में दीन से दूर होती है लेकिन अफसोस ये कि लोग मेजॉरिटी के पीछे जाते हैं मेजोरिटी क्या कर रही है ज्यादातर लोग क्या करते हैं आज हमें जब कोई चीज खरीदनी होती है या कुछ तो हम उसके रिव्यूज देखते हैं। ना ऑनलाइन जब कुछ खरीदना होता रिव्यूज देखते हैं। और जिस चीज के रिव्यूज ज्यादा हो, ज्यादा लाइक्स हो, ज्यादा कमेंट्स हो ज्यादा एंगेजमेंट हो तो वो चीज पर हम कहते हैं यही ज्यादा बेहतर होगी ये मेजोरिटी इसी को पसंद यही ट्रेंड है आजकल ये इन है यही चल रहा है यही कर लो सोचते भी नहीं और आपको पता है कि इसके पीछे जो धोखाधड़ी शुरू हो चुकी है वो ये कि बड़ी बड़ी कंपनीज पैसे दे के ऐसे लोग मुकर करती हैं जिनका सिर्फ काम ये होता कि सारा दिन बैठ के उनकी वेबसाइट्स के ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें या अच्छे अच्छे रिव्यूज लिखें या उसको एंगेज करें ताकि ज्यादा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हों वो उस धोखे को भी नहीं समझते तो मेजोरिटी मिजा, कभी भी मेजोरिटी के पीछे ना जाए कि ज्यादा लोग ये कर रहे हैं तो ये सही होगा मेजॉरिटी हमारे क्या जुमला बोला जाता है मेजॉरिटी तो बात यह है कि कुरान जो कहता है वला किन्ना अक्सर अन्ना से लाई हो मिनो अक्सरियत ईमान नहीं लाएगी ईमान नहीं लाती फिर इसी तरह माजी के लोगों के बारे में फरमाया वअलीन यकीन इनसे पहले के अक्सर लोग भटके हुए थे वमा वमाकाना अक्सर मोमिन उनकी अक्सरियत मोमिन न थी सूरत नाम में आता है वह इन तुत अक्सर मनफिल अर्द यु दिल्लु का अनसबी अगर आप जमीन में रहने वालों की अक्सरियत का कहना मानने लगेंगे तो वह आपको अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे वो तो महज गुमान की पैरवी कर रहे हैं और सिर्फ क्या साइया कर रहे हैं अपनी अकल से कोई लॉजिक से कोई इधर उधर से तजर्बों से वो अपनी राय कायम किए हुए और उसी पे जमे हुए हैं उस पे नहीं जाओ चाहे आप अकेले हो कहीं यू आर दी ओनली वन के जिनको किसी पार्टी हॉल में नमाज पढ़नी हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उठे पूरे कॉन्फिडेंडेंस के साथ उठे नमाज का वक्त हो गया है एक कोने में जाएं अपनी नमाज पढ़ लें कहीं पर भी हो यह ना देखे कि ये सब तो पढ़ नहीं रहे तो मैं अब कैसे पढ़ू नहीं कोई भी आपने अच्छा काम करना है ना ये ना देखे कि हमारे खानदान की अक्सर लड़कियां क्या कर रही हैं या हमारी फ्रेंड्स की अक्सरियत क्या कर रही नहीं ये देखे मेरा रब इस वक्त मुझसे क्या चाहता है आपकी निजात आपकी कामयाबी इसी में है कि अक्सरियत को नहीं देखना अपने फ्यूचर को देखना है मेरा फायदा किस में है और मेरे रब की रजा किस में है अच्छा फिर आगे वजह भी बता दी क्या वजह है कि अक्सरियत ईमान क्यों नहीं ला रही और इन अरबों का क्या मसला है नेक्स्ट आया बेशक हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल दी है तो वो थोड़ियों तक जकड़े हुए हैं पश्व सर ऊपर को उठाए हुए यानी इस आयत में ईमान न लाने वालों के कुफर पर करने और अड़े रहने की एक तस्वीर कशी की गई है क्या है कि इनकी गर्दनों में तोक है तोक वो पुराने जमाने में कैदियों को सजा देने के लिए गर्दन के अंदर ऐसा कड़ा डाल दिया जाता था जिससे गर्दन नहीं हिलती थी वो ऊपर ही उठा रखते थे अब देखिए कि अगर थोड़ी देर भी हम सिर्फ सर ऊपर उठा रहे गर्दन बहुत थक जाती तो ये सजा की बड़ी वर्स्ट किस्म थी लेकिन यहाँ गर्दन अकड़ा के रखना और सर ऊपर करके रखना ये किस चीज की अलामत है तकबर की तकबर की तो यहाँ ये बताया गया कि ये अपने तकबर की वजह से ना इधर देखते हैं ना उधर ना दाएं देखते हैं ना बाएं बस अपने ख्याल में ही फिक्स है बस एक ही बात जो इनके इनकार की है वही है मानते कुछ नहीं और ये जो अगलाल कलफ है ना गुल की जमा है गुल और गुल अरबी में उस बेड़ी को भी कहते हैं यानी जो जंजीर सी होती है जिसके साथ हाथ को गर्दन से मिला के बांध दिया जाता है हुँ? और अजखान जख्म ये मुंह का निचला हिस्सा इसके लिए आता है और मुखमहून का जो है कुम्ह से है कुम्ह कहते हैं वीट को गेहूं जो पकने से लेके स्टोर करने तक बाली के अंदर ही रहता है उसको कहते हैं बाली से निकल आता है वो नहीं जो दाने के अंदर रहता है ना उस छिलके के अंदर रहता है उस गेहूं से जो सत्तू बनाया जाता है उसको कमीहा कहते हैं क्यों इसलिए कि जब उसको फांकना होता है ना तो क्या करते हैं मुंह ऊपर करते हैं तो ये उसकी मुसिलत है ठीक है तो यहाँ कुफार के कुछ की मिसाल बयान की गई कि उनके सार बस उठे हैं अपने आप को बड़ा समझते हैं उनके दिमाग में कुछ भरा हुआ है वो बड़ा ही समझते हैं ना वो झुकते हैं ना वो सुनते हैं ना वो देखते हैं आंखें बंद की हुई हैं और वो सिर्फ अपने आबाओ के तरीकों पर चलने वाले हैं तो इसलिए दुनिया में उनकी ये हालत है सूरत गाफिर में उनके आखरत का अंजाम भी उसी के मुताबिक बताया गया कुरान मजीद जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारी सज़ाएं जो कुरान में बताई जाती हैं वो आ, लोगों के अमाल के मुताबिक ही होती हैं यानी जैसे दुनिया में वो कर रहे हैं ना उसी किस्म की मिलती जुलती सज़ा उनको आखरत में मिलेगी मसलन जो हिब्बत करके दूसरों की इज्जत उछालते हैं उनको क्या किया जाए वो अपने उनके नाखून तांबे के होंगे तो अपने मुंह और सीने को नोचेंगे क्योंकि उन्होंने दूसरों की शक्ल बिगाड़ी तो अपनी शक्ल बिगाड़ेंगे और इसी तरह बहुत से मिसालें हैं फाकु युब जब उनकी गर्दनों में तोक और जंजीरें होंगी जिनसे वो घसीटे जाएंगे खोलते पानी में फिर वो आग में झोंके जाएंगे तो मतलब ये है कि उनका गुरूर और तकबर उनके रास्ते की बेड़ी बन गया है जंजीर बन गया है उनके गले का तोक बन गया है, अब वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है Next और हमने उनके सामने से एक दीवार और उनके पीछे से एक दीवार बना दी फिर हमने उन्हें ढांक दिया। वो देख नहीं पाते ये पिछली बात की मजीद वजाहत है यानी आगे दीवार है पीछे भी दीवार है ऊपर से भी कवर्ड है जैसे आप लिफ्ट में जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आगे पीछे ऊपर से बंद छोटे से कमरे में आप बंद हो जाते हैं आपको बाहर की ना रोशनी आती है ना हवा आती है ना कोई आवाज आती है आप उसके अंदर ही बस उस छोटे से क्यूबिकल में बंद हो जाते हैं तो कुछ लोग इसी तरह दुनिया में बॉक्स में बंद रहते हैं आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते और ना वो अपने फ्यूचर को देखते हैं कि जो कुछ आज हम कर रहे हैं इसका कल क्या नतीजा निकलने वाला है ना वो पास्ट से कोई मिसाल अपने कोई सबक सीखते हैं माजी से भी कोई सबक नहीं सीखते ना अपनी गलतियों से ना किसी और तरह से और फिर यह है कि उनको दिखाई भी कुछ नहीं देता क्योंकि दिल जो अंधे हैं ना आगे से कुछ देखते हैं ना और ना पीछे से कोई उनको समझ और ऊपर से भी कुछ नहीं, नहीं अल्लाह ताला के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं है बस अपनी दुनिया में बंद अपनी दुनिया में खोए हुए हैं अपने ही हाल पे खुश हैं जो कर रहे हैं बस उसी के अंदर लगे हुए हैं और जब किसी इंसान का ये रवैया होता है तो फिर वो हक को कबूल नहीं करता यानी जो शख्स सिर्फ दुनिया ही दुनिया देख रहा हो अपने आगे और उससे पीछे दुनिया एक दीवार है उनके लिए उससे पीछे जो आखर है उसको ना देखे उसकी फिक्र ना करे फिर उसका यही हाल होता है यानी दुनिया उनके लिए इतनी खूबसूरत बना दी गई है कि वो दुनिया की लज्जतों से बाहर ही नहीं निकलते इससे बाहर सोचते ही नहीं कि कभी मरना भी है और अल्लाह को जवाब भी देना है और इसी तरह जो पिछली कौमों का अंजाम हुआ उन पे अजाब आया उनके सब उससे भी सबक नहीं लेते कोई नसीहत हासिल नहीं करते ना आखरत की कोई फिक्र है और ना ना ही उन्हें किसी तरह की हिदायत की कोई फिक्र है हमने उनकी आंखों को ढांब दिया है और उनको ऊपर से भी ढांप दिया है यानी दिलों पे भी कानों पे भी बोझ है आंखों पे पर्दा है और दिलों पे भी मोहर है कान दिल आंखें सब के सब बंद है इसलिए वो देखेंगे नहीं एक रिवायत में इसको आशयी भी पढ़ा गया है जिसका मत आंखों की बीमारी होती है यानी कि इंसान देख नहीं पाता प्रॉपर तो उनको वो देखने के काबिल नहीं है और उनको ये कहा गया कि, कि हमने उनको डांप दिया ये वही मजमून है जो सूरत अल बकरा के शुरू में आता है ना इन अल्लाह ने मोर लगा दी उनके दिलों पर उनके कानों पर उनकी आंखों पर वही कैफियत यहाँ बयान हुई है क्यों अल्लाह सुबहान तआला ने ऐसा क्यों किया अल्लाह सब इसकी वजह बताते हैं सूरत आता है बल तबा अल्लाह अलह बे बल्कि अल्लाह ने उनके कुफर की वजह से उनके दिलों पर मोहर लगा दी एक और जगह पर आता है मुनाफिक इसलिए कि वो ईमान लाए फिर उन्होंने कुफर किया तो अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी सूरत सफ में आता है फलमा अजा खलूबह जब उनके जब वो खुद टेढ़े हुए तो अल्लाह ने उनके दिल टेढ़े कर दिए यानी जब इंसान सीधे नहीं चलना चाहता तो जिधर जाना चाहता है फिर उसको उधर ही मोड़ दिया जाता है हिदायत उसको मिलती है जो हिदायत का तालिब होता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है जो उसके लिए कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए हिदायत का रास्ता खोल देते हैं फीना सुबुलना वो लोग जो हमारे रास्ते में भाग दौड़ करते हैं हम उनको अपना रास्ता जरूर दिखाते हैं मेहनत और कोशिश शर्त है हुँ? बस नेक्स्ट और आखिरी आयत में यहाँ पर दो आयतें और करूंगी मुख्तसर जल्दी से फिर इंशाल्लाह जी नेक्स्ट आयत दस नंबर और खा आप उन्हें डराएं या ना डराए उन पर बराबर है वो ईमान नहीं लाएंगे इसका ये मतलब नहीं कि आप उन्हें तबलीग करना छोड़ दें और आप उनसे मायूस हो जाए जब इंसान किसी को दीन की तरफ बुलाता है तो दो तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है एक वो जिन पे आपकी किसी बात का असर नहीं होता और वो अपनी जिद पर जमे रहते हैं जो वो कर रहे हैं बस उसको ही सही समझते हैं वो कुरान के आगे झुकते नहीं वो कुछ लेना नहीं चाहते अब देखें बसल आपको ग्लास भरना हो तो टैप के आगे करना पड़ता है या जग के आगे रखना पड़ता है तो अगर आपके नहीं ये तो मेरी शान के खिलाफ है मैं किसी चीज के आगे झुकू तो फिर अंदर भी कुछ नहीं आएगा सुराही सर निगू होके भरा करती है पैमाना इवन डालने के लिए भी झुकना पड़ता है तो मतलब यह है कि जिन लोगों के दिलों में मुहर लगी हुई है उनको डराना और ना डराना बराबर है इसलिए ये असल में आपको तसली दी जा रही है नबी सल सलम को कि इनके रवैये पे आप दिल बर्दाश्त ना हो जहाँ ये कुछ नहीं मानने वाले वहां कुछ बहुत से मानने वाले भी होंगे फिक्र हमें अपनी करनी चाहिए कि हमारे पार्ट पे हमारा रवैया क्या है उन्होंने तो अरबों ने तो जो किया सो किया कुरैश ने जो किया जो किया अहले मक्का ने जो किया तो किया हम आज क्या कर रहे हैं क्या हम इस पैगाम को कबूल करने वाले हैं क्या हमने अपने दिलों खुले दिलों के साथ इसको सुनने वाले हैं? और, के साथ और अपनी खुशी के साथ और जो ये कहता है उसके मुताबिक चलने वाले हैं या नहीं नेक्स्ट आया बेशक आप तो उसे ही सकते हैं जो नसीहत की पैरवी करे और रहमान से गायबाना डरे बस आप उसे बख्शिश और इज्जत वाले अजर की खुशखबरी दे दीजिए यानी आपके बताने का फायदा तो उन्हीं को होगा जो नसीहत को सुनना चाहे और फिर सुनकर उसकी पैरवी करेंगे इन जिक्र पैरवी वही करता है जो सुनता है ऐसे लोग तन्हाई में भी अल्लाह से डरते हैं क्योंकि वो जिक्र जिक्राद या कुरान है क्योंकि कुरान को फॉलो कर रहे होते हैं नसीहत को फॉलो कर रहे होते हैं और रहमान से बिन देखे भी डरते हैं। नहीं, अकेले भी डरते हैं। कोई उनको ना देख रहा हो फिर भी वो कोई गलत काम नहीं करेंगे इज्जत वाले अजर की बेहतरीन रेवॉर्ड की तो इसके लिए खुलासा आज की आयात का यहीं पर आकर होता है टेक होम चीज क्या है दो काम हमने करने हैं दो काम हमने करने हैं और वो क्या हैं नंबर एक जिक्र की पैरवी करनी है जो ये किताब कहती है उसके मुताबिक अपने आप को चलाना है और दूसरे सिर्फ पब्लिकली नहीं अपनी तन्हाइयों में भी अकेलेपन में भी जहां कोई भी ना हो वहां भी अल्लाह से डर कर अल्लाह की बात सुननी है माननी है और कुरान को जिक्र क्यों कहा गया क्योंकि जब इंसान कुरान पढ़ता है तो अल्लाह को याद करना होता है अल्लाह तला की याद का बेहतरीन तरीका है और इसलिए भी कि इसमें नसीहत और वाज़ है इसलिए भी कि इसमें याद दहानी है बहुत से रिमाइंडर होते हैं जिक्र कमाना रिमाइंडर भी होता है और पैरवी में सबसे पहले तो इसको सच्चा मानना और फिर दूसरा जो ये कहता है वो करना और जिस चीज से रोकता है उससे रुक जाना और फिर यह खशी रहमान आया खशियत और खौफ में फर्क होता है खौफ में दिल बेकरार हो जाता है खशियत जो है ये खास चीज है ये अल्लाह की पहचान के साथ आती है खौफ आप शेर बिच्छू, सांप इन चीजों से भी कई लोग अंधेरे से खौफ खाते हैं डिफरेंट फोबियाज होते हैं उनको लेकिन खशियत जो होती है वो इल्म वालों के अंदर होती है यानी जब आप अल्लाह ताला को पहचान लेते हैं अल्लाह के कलाम को समझते हैं उसके बाद जब आप अल्लाह से डरते हैं वो खशियत होती है इनमा यकमा इबन खुदाम कहते हैं कि एक आम लोगों का खौफ होता है और एक खास लोगों का खौफ होता है आम लोगों का खौफ क्या कि अल्लाह के अजाब से डरते हैं जन्नत जहन्नम की बात पड़ी तो उनके अंदर एक खौफ आता है और जो ख़ास लोगों का खौफ होता है खशियत जो होती है वो क्या होती है कि वो जब अल्लाह ताला को पहचान लेते हैं ना अल्लाह की अजमत को जान लेते हैं अल्लाह को बड़ा जान लेते हैं फिर उनके दिल के अंदर जो डर आता है कि नहीं मैं अल्लाह की बात को नहीं रोक सकती उसका इनकार नहीं कर सकती मुझे वो ही करना है जो अल्लाह चाहता है मुझसे और ये सिर्फ उसके अंदर आता है जो अल्लाह ताला को पहचानता है आप जितना ज्यादा अल्लाह को जानेंगे कुरान ताला के थ्रू अल्लाह तमामों के थ्रू उतना ज्यादा आपके अंदर खशियत आती जाएगी और बिल गायब का मतलब है देखा नहीं अल्लाह को और फिर यह है कि इंसान जो है अल्लाह का महबूब इंसान वही होता है जो जब कोई काम करता है तो वो ये नहीं देखता कि लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं ये क्या कहेंगे उसके दिल में ये आता है कि मेरा रब क्या कहेगा वो मुझे देख रहा है और वो हर जगह देखता है ना और हसन बसरी कहते हैं मोमिन नेक अमाल करता है लेकिन इसके बावजूद वो डरा हुआ होता है घबराया हुआ होता है खौफ ज्यादा होता है जबकि फाजिर नाफरमानी करके भी बेखौफ होता है अल्लाह की नाफरमानी भी कर डर भी कोई नहीं होता हसन बसरी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नेक अमाल किए और उन और उनमें मेहनत भी की लेकिन फिर भी डरते थे कि कहीं हमारे अमाल रिजेक्ट ना कर दिए जाएं। तो मोमिन के अंदर ईमान भी होता है उम्मीद भी होती है खौफ भी होता है यानी उम्मीद भी होती है और खौफ भी होता है जबकि मुनाफिक बदअमल भी होता है और बेखौफ भी होता है बहरहाल जिनके अंदर ये दो क्वालिटीज होंगी कि जो नसीहत की पैरवी करेंगे फॉलो करेंगे उसको जानेंगे और उसको मानेंगे और जो रहमान से रहमान रहम फरमाने वाला ना वो रहम फरमा रहे हैं। फिर भी डरते हैं जो रहमान से डरते हैं पर, उनके लिए बख्शिश भी है और बहुत इज्जत भी है यानी अल्लाह से डरने वालों का बेहतरीन अजर है। बेहतरीन मकाम है। और अल्लाह से डरने वाले जो है क्या के दिन अर्श के साये होंगे और हमें अल्लाह की खशियत का सवाल भी करना चाहिए वो दुआ है ना अल्लाह लना खशियत का भी ना एक अल्लाह हमें हमारे अंदर ऐसा खौफ डाल कि जो हमारे और हमारे गुनाहों के बीच में हायल हो जाए कि गुनाह सामने हो हम उससे पीछे हट जाएंगे ना हमने नहीं करना क्योंकि हम अल्लाह से डरते हैं तो आज के लिए इतना ही काफी है काफी टाइम हो गया पहला दिन था और आपको बहुत लम्बा बिठाया लेकिन यह है कि इन नेक्स्ट आज जो है ना वो जरा थोड़ा टाइम मांगती है तो इन सैटरडे को करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है कि इंसान के अमाल कितनी किस्म के हैं और उन अमाल से आ, किस तरह इंसान को फायदा पहुंचता है और कैसे नुकसान होता है अल्लाह ताला आप सबका आना बैठना ये वक्त लगाना कबूल करे और हम सब के लिए इसको बख्शिश और निजात का ज़रिया बनाए और हमारे दिलों में इस कुरान की ऐसी मोहब्बत हो कि हम इसको कभी ना छोड़ें और ये दुनिया में और कब्र में और आख़रत में हमारा साथी हो तो मैं आप सबको दावत देती हूँ कि नेक्स्ट वीक भी सैटरडे संडे अपने लिए टाइम निकालिए और ज़रूर इस सूरत का मुताला कीजिए वावाना रबालमीन सुबह नबा बिहमदा अशद अलाता अस्त फिर वतुबालाईक असलैक्म व वक्त रहमतुल्लाहि व वरक तमाम बहनों के लिए एक रिमाइंडर वीकडे क्लासेस के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड का उस्ताजा जी ने बता दिया वीकडेज़ में ट्यूज़े वेंसडे और थर्सडे यहाँ पर लाइव क्लासेस होती हैं ट्यूजडे और वेंसडे आजकल हम हम आराफ की तफसीर पढ़ रहे हैं और थर्सडे को Uh, कुलूब एक कुल, क्लास है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम की तफसीर ही के अंदाज़ में है नस्बता एडवांस्ड है लेकिन इनशा बहुत आम फहम अंदाज से सिखाई गई है तो वन टू टू फिफ्टीन नए विंटर टाइमिंग्स आज से इफेक्ट ले रहे हैं तो इन आप में से जो बहने उसमें आना चाहें एज अ लिसनर भी आ सकते हैं सिर्फ सवा घंटे की क्लास जसाकैरन इसके अलावा अलहमद इंग्लिश प्रोग्राम्स बच्चों के लिए मुख्तलिफ मैन वमेन यूथ सब के लिए प्रोग्राम्स हमारे मौजूद हैं आप में से वो बहनें जो शायद फ़र्स्ट टाइम आई हैं या ज्यादा फेमिलियर नहीं हैं अलहदा इंस्टीट्यूट डॉट सी ए हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि आपके लिए आपके बच्चों के लिए आपके घर के मर्द हज़रा के लिए आ, कुरान करीम के अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या कोर्सेज मौजूद हैं सो प्लीज़ विजिट अस ऑन आर वेबसाइट एज वेल एज फेसबुक सोशल मीडिया एवरीवेयर

وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى